wanted to get it right. Trying to find some balance in. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. आप सबको हैप्पी न्यू ईयर. आप सबका स्वागत है 2022 में. 2021 को कर दिया हमने बाय बाय. तो आप सबके लिए 2022 बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहे, ये हमारी शुभकामना है. और दिन की शुरुआत हो चुकी है और ब्रेकफास्ट में सिर्फ अभी ग्रीन टी लिए. ब्रेकफास्ट बाकी है तो अभी खाएंगे. अभी तो ब्रेकफास्ट से क्या, सर्दी के लड्डू चल रहे हैं तो सर्दी का लड्डू अभी एक चिपकाएंगे एक चिपकाएंगे, फिर साथ में थोड़ी कॉफ़ी, थोड़ा सही रहे. और आज का दिन अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं है, कैसा जाएगा देखते हैं कैसा जाता है. आप तो ऑब्वियस हमारे साथ बने रहेंगे इसलिए आपको तो पता ही है. और क्या ठंड है, चिपका के ठंड है, नहीं तबीयत की ठंड है. और नहाने का भी नहीं हो रहा है, प्लस पर नहीं नहाने का होता है तो वो चीज़ याद आ जाती है. मम्मी बोलती थी वो फर्स्ट दिन नहीं नहाएगी तो पूरे साल नहीं नहाने मिलेगा. फर्स्ट दिन जो करोगे वो होगा. यानी हम भी इतने पागल थे, समझ भी जाते थे और वही समझते समझते अभी तक यहाँ तक पहुँच गए. अभी तक दिमाग में यही है, नहीं आ रहा है न्यू ईयर, रहना नहीं पड़ेगा. तो आज बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से जोर आ रहा है, पर ना लेंगे. देखते हैं बाहर ठंड कैसी है आज. ओह, बाहर निकल के देख रहे तो क्या नज़ारा देखने मिल रहा है. चिको इनकी गाड़ी को चमका रहा है. कल ही तो चमकाई थी चिको, कल ही तो चमकाई थी. अच्छा, इसको नीट एंड क्लीन ही रखोगे. चमक तो रही है भरवा, पॉलिश काम की है. फ्रेश लग रही है, टायर पे भी करी क्या? अंदर से भी नीट एंड क्लीन एकदम. नए साल में एक आदत बहुत अच्छी लग रही है, गाड़ी को चकाचक रखने की. अच्छा है ना, गाड़ी तो मस्त चमकती रहे तो अलग ही मजा है. एक चलाने में, गंदी गाड़ी को चलाने में अलग है, फ्रेश गाड़ी को चलाने में अलग है. चिको ये पीछे ये इधर है वो लाइट है क्या, लगती है क्या? कौन सी? ये वाली, ये क्या है? अच्छा, नंबर प्लेट की लाइट है. नंबर प्लेट की लाइट. टायर भी पूरे साफ किए जा रहे हैं. ओके बाय टाटा. ओके बाय टाटा. चलो आप जाओ, मैं नहाकर फिर आती हूँ, फिर मंदिर चलते हैं. आज बड़े मंदिर चाहिए क्या? साइकिल वही साइड में रखनी पड़ेगी. अब अपन हो जाते हैं रेडी. आज न्यू ईयर है पर अपन कुछ काम कर रहे थे शादी में. जो शादी में तो कपड़ों का तो सारा मैंने जैसे जैसे चेंज करती थी वैसे वैसे मैं समेट लेती थी, बट चूड़ियाँ और ज्वेलरी सारी बिखरी पड़ी हुई थी तो वो सारा सही सेटलमेंट कर रही थी. चूड़ियाँ सारी जमाई, साड़ियाँ कुछ ड्राई क्लीनिंग में देनी है वो निकाली है और ये कुछ चूड़ियाँ इसमें डाली हैं. चूड़ियाँ रेगुलर जो आने जाने में पहननी पड़ती है वो यहाँ पर सारी जमाई है ताकि जल्दी से मिल जाए. और थोड़ी सी अलमीरा भी सेट करनी थी पर अभी तो टाइम है नहीं मेरे पास अलमीरा सेट करने का. जैसे चूड़ियाँ और ज्वेलरी सही कर दी है और अभी फिर यहाँ पर सारा रख देती हूँ सामान, बेड खाली कर देती हूँ और फिर रेडी हो जाती हूँ. आज मंदिर भी जाना था पर पोस्टपोन्ड हो गया क्योंकि मैं लेट हो गई इसलिए. पर कोई बात नहीं, अपनी तो रूटीन है, कल से रेगुलर जाएंगे और थोड़ा बहुत जो भी काम है वो और निपटा लेते हैं. रेडी हो गई हूँ, हेयर करना बाकी है पर कोई बात नहीं. और आज मैंने साड़ी पहनी है क्योंकि न्यू ईयर है और चिकनी भी बोला था इसलिए. अब खाना बनाने के लिए अंदर जाते किचन में. खाने में बना है मटर की सब्जी, चावल. खाना वगैरह सब खा लिया है, अब चलते हैं शॉप पर. और हाँ, बराबर है हाथ में, मैं समझी कुछ भूल रही हूँ. ये मेरी वॉच का बेल्ट आया था वो रिटर्न देना है तो दे देती हूँ क्योंकि यही इस वॉच पे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए. और वॉच मैं सब एकदम से क्या हुआ, फूट गई क्या? ये चलते हैं आप शॉप पर. कैमरा पकड़ ले, न्यू के दिन पकड़ने आ रही है. क्या बोलेगी? वाव बोल दे, चल एक बार. हाँ हिम्मी. वाव बोल दे, वाव बोल दे. हिम्मी है. लंदन जाए. एमी बाय 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 बाय. फ्लाइंग किस कर दो. वाव कर दो, वाव वाव कर दो.
वाह ये बोले ओ ये मैं बोले अभी आ गई शॉप पर आज है ना मेकअप ट्यूटोरियल बनाने का प्लान है तो हम दोनों जा रहे हैं लेंस खरीदने के लिए क्योंकि लेंसेज अभी मेरे पास ख़त्म हो गए तो पता चला है कि ऋषभदेव में लेंसेज मिलते हैं लेके आते हैं लेंस तो अभी अपने पास पड़े हुए थे अपन ने ऑर्डर दे दिया ईयरली का और अभी जा रहे हैं घर पर और घर से लाना है अपन को ट्यूटोरियल का कुछ सामान तो लेकर आते हैं टॉप ले लिया है और अब चलते हैं सीधे घर से निकल गए और फिर चिकू ने बोला कि कैमरा बैग तो लाए नहीं और बिगर कैमरे के हम वीडियो बनाने जा रहे थे तो वापस से घर पे आए अभी चिकू अंदर गए कैमरा बैग लेने के लिए जैसे ही आते हैं वैसे चलते हैं ये रहा गेट अभी बंद गेट और ये कैमरा आ गया है हम बैठ गए हैं ट्यूटोरियल बनाने के लिए और आप ये मेरा पीछे का पूरा सेटअप देख सकते हो लाइटिंग का और अभी चिकू क्या पता शायद उस शॉप पर गए जैसे ही आते हैं वैसे भी ट्यूटोरियल बनाना स्टार्ट कर देंगे और सारी तैयारियां हो चुकी हैं मैं भी लेंसेज वगैरह लगा के तैयार होकर बैठ गई हूँ दो तीन दिनों में आपके पास ये ट्यूटोरियल आ जाएगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है ये वाला ट्यूटोरियल स्किप मत करना क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है इसलिए तो बस अभी करते हैं ट्यूटोरियल स्टार्ट सेटअप लग चुका है पूरा और पानी की बोतल भर के ले आना है ना और ये मेरी डिस्प्ले जहाँ पर मैं खुद को देखती हूँ और फिर मेकअप करती हूँ कांच तो मैंने ऐसे ही रख रखा है ज़्यादा कुछ काम नहीं आता है डिस्प्ले ही काम आती है और ये आज मैंने टी शर्ट पहना है जो कि चिकू ने मुझे गिफ्ट किया था और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे नर्वस हो रही हो बहुत कैस मैं कोई भी ट्यूटोरियल बनाने से पहले इतनी ज़्यादा पहले नर्वस होती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि जो ट्यूटोरियल मैं बनाऊँ वो मेरी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे बस आप सपोर्ट थोड़ा सा कम दिखा रहे हो पूरा सपोर्ट दिखाओ और मज़ा आएगा तो अब बैक टू वर्क हो जाते हैं ट्यूटोरियल बन गया है कम्प्लीटली और मैंने ड्रेसअप वगैरह सब चेंज कर दिया शॉप पे कस्टमर भी आ गए थे तो कैमरा यहीं पे था और आप देख सकते हो कितना मैस हो रखा है ये सब कल होगा सही और अब चलते हैं घर पर और मेरा टी शर्ट भी ले लेती हूँ क्योंकि फिर यहीं पे रह जाएगा और जिसको भी आ गए लेने के लिए और यहाँ पर कैमरा वगैरह सब ले रहे हैं साथ में सब पैक कर दो मैं सलून में क्लोजिंग कर रही हूँ ना ये यहाँ पर सारी लिप बाम्स की वैरायटीज़ है यहाँ पे ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की लिप बाम है और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है शुगर की लिप बाम सारे अलग 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 फ्रेग्रेंसेज हैं ये तो है ही और ये सारी हैंग हो सकती थी इसलिए इन सबको तो हमने हैंग कर दिया है और इनको हम हैंग नहीं कर सकते थे तो मामा अर्थ वाली सारी लिप बाम्स को हमने ऊपर रखा है बहुत सारी वेराइटी है आपको जो भी पसंद आया आप आके परचेज कर सकते हो ओह आज तो ऑप्टिमा हमको लेने के लिए आई है एंटॉर्क का है हां एंटॉर्क का है एंटॉर्क तो बिजी है घर पर आ गई हूँ बैटरी लो एक मिनट रुको घर पर आ गई हूँ और घर पर आकर अब बना रही हूँ खाना और आज काफ़ी टाइम हो गया है आज बज गई है 7:30 मुझे आते आते तो 7:30 बजे बना रही हूँ खाना और खाने में आज बन रहा है देसी खाना एकदम आज बन रहा है खाने में पीट जो कि मक्की के आटे का बनता है तो ये यहाँ पर मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है अभी मसाला तैयार करती हूँ ये पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है अब ये मक्की का आटा छान रहे हैं अब उसके अंदर गरम गिरेगा वो अभी इसके अंदर मक्की का आटा जा रहा है और साथ साथ में इसे हिलाया भी जा रहा है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए सारा अभी मैं खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ और ये पीठ बन के हो गया है रेडी ये तो खिचड़ी है ये पास में से मैं लाई आंटी जी ने मुझे दी थी और ये पीठ इसके अंदर घी डाला है और अच्छे से घी मिक्स कर करके खाना है अभी ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है मक्की के आटे का रहता है तो जल्दी से पच भी जाता है प्लस विंटर्स में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और साथ ही मैं इसको लाई हूँ दूध जितना कोरा खाना होगा उतना खा के फिर दूध मिक्स करके खाऊंगी और वो भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है अभी कर लिया है मैंने चेंज और बहुत ही ज़्यादा मुझे नींद भी आ गई थी तो वापस उठी और फिर चेंज किया
और बस सब सोने की तैयारी। अगर यहाँ तक देखने के बाद ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और हाँ, सबको आपको हैप्पी न्यू ईयर अगेन। और ओके, बाय।